देश में तमाम मुद्दे चल रहे हैं और तमाम मुद्दे को लेकर 350 से ज्यादा नेताओं शामिल होने वाले हैं बैठक में। और बैठक में बताया जा रहा है कि CPI, CPM, RSP जितने भी फॉरवर्ड विपक्षी दल हैं वो सभी को बुलाया जा रहा है और उसमें बड़ा से बड़ा यहाँ पे नेता भी पहुँचने वाले हैं। और जिस तरीके से वहाँ पे बैठक हो जाएगा पुराने विधानसभा को घेरने को बताया जा रहा है और जिस तरीके से मोदी भ्रष्टाचार के मामले पर ये सवाल सभी के लिए उठाया जा रहा है वो देश में तमाम मुद्दे को लेकर इसमें बैठक की जा रही है। और बैठक रांची के पुराने विधानसभा को घेरने के लिए बात कही जा रही है जिसमें माले पूरी तरीके से एकजुट हो रही है और जिस तरीके से जितने भी विपक्षी दल है सभी को बुलाया जा रहा है क्योंकि वाम दलों मिलकर ये सारे प्लान बना रहे हैं जो कि देश में तमाम मुद्दे को लेकर यहाँ पे मोदी का घेराव भी चल रहा है। कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी करी है, आपने भी तैयारी करी है, तो देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी से लेकर जितने भी विपक्षी दल यहाँ पे मिले हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एकजुट होंगे और सबसे ज़्यादा 350 नेता वहाँ पे जुड़ने वाले हैं ऐसा बताया जा रहा है। और यह बैठक 19 मई को होने वाला है यानी कल होने वाली है। तो देखने वाली बात है कि रांची के पुराने विधानसभा के पास यहाँ पे बैठक होगी और उसको पूरी तरीके से घेराव किया जाएगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो सभी के सभी रैलियाँ लेकर निकल चुके हैं और रैलियों में भी बताया जा रहा है कि रैली भी किया जाएगा। जिस तरीके से पूरे CPI जनता मिलकर पूरे देश के अंदर ये तमाम मुद्दे भ्रष्टाचार और मोदी के खिलाफ प्रदर्शन निकाले हुए थे तो उस पर फिर से ये चीज़ जारी होगा। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 350 से ज़्यादा नेता अलग अलग रणनीति बनाएंगे और जिसके पास भी कोई अच्छा खासा मुकाम के लिए बात होगा वो वहाँ पे बात बैठक में रखी जाएगी और सभी के लिए मुद्दे उठाए जाएंगे जो कि जनता को चाहिए। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है तो 19 मई कल कुछ बातें बैठक में होने वाली है और इस पर पूरी तरीके से 2024 विधानसभा चुनाव के लिए भी यहाँ पे लोकसभा चुनाव जितने भी होने वाले हैं वो सभी के लिए वहाँ पे बातें की जाएगी और उसके लिए ही ये सारी तैयारियाँ की जा रही है। एक और आपको बता दें कि जिस तरीके से कर्नाटक में DK शिवकुमार और सिद्धारमैया का प्लान चल रहा है तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया CM बनेंगे और DK शिवकुमार वहाँ पे Deputy CM बनेंगे तो उसके लिए भी वहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। और देश में तमाम मुद्दे पर भी ये प्लान चल रहा है कि कैसे BJP को अब पूरे देश से भगा देना है उसके लिए भी प्लान चल रहा है। लेकिन BJP अलग अलग रणनीति फिर तैयार करती जा रही है। तो देखने वाली बात है कि जो चीज़ भी माले का वहाँ पे बैठक होगी तो 350 सबसे ज़्यादा वहाँ पे नेता बुलाया जा रहा है और उस पे नई नई प्लान चलने वाली है। तो क्या BJP के लिए प्लान बनती है 19 मई को पता चलेगा। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताएं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर सकते हैं।